सी लगवाई है, वो बाहर सी सी लगवाई है। और अब तक के स्कूल वैन में हम लोगों ने 10 गाड़ियाँ दे चुकी है स्कूल वैन में। अब जो स्कूल वैन का जो रिव्यू आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, और इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपनी गाड़ी के बारे में। इसमें 1947 सीसी का इंजन है और जिसका हॉर्स पावर है आपका 68 हॉर्स पावर। ये पावर स्टेयरिंग गाड़ी है। स्कूल वैन में जैसे ही आप गेट को ओपन करेंगे यहाँ पे स्टॉप का सिंबल मिलेगा आपको। इसके साथ ही ये PS4 इंजन है अब के टाइम में। अब इसका AC वगैरह का जो वेंट है हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे फ्रंट ड्राइवर सीट के सामने आपको AC का वेंट मिलेगा, प्लस इसका जो अंदर का पीछे का जो इंटीरियर है, इसके पीछे में अगर आप देखते हैं सेफ्टी फीचर्स के लिए बच्चों को चढ़ने के लिए यहाँ पे एक पैर रखने के लिए दिया हुआ है, जिसको आप चाहे तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं गाड़ी चलने के बाद। और जब गाड़ी बच्चों को जब चढ़ना होगा तो इसको आप पीछे करके लॉक कर सकते हैं। पीछे भी आपको स्कूल वैन का सिंबल मिलेगा, फ्रंट में भी आपको स्कूल वैन का सिंबल मिलेगा। अगर आपने देखा कि जिस तरीके से पैर रख के चढ़ने में बहुत आसान है, अगर बच्चे रहेंगे तो उसमें भी चढ़ने के लिए काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी है सेफ्टी फीचर्स के तौर पे। यहाँ पे अगर आप बच्चे जब बैठते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे बच्चे हैं तो आराम से, तो यहाँ पे पकड़ने के लिए एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा है इसमें। यहाँ पे नोटिस बॉक्स भी हो सकता है, नोटिस बॉक्स के तौर पे अगर कुछ भी नोटिस है बच्चों के लिए तो है। एक इमरजेंसी डोर दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कभी गाड़ी में कुछ इमरजेंसी होती है इमरजेंसी लॉक के यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है। एक PTS सिस्टम अभी लागू होने वाला है फोर्स मोटर का, बट अभी लागू हुआ नहीं है, शायद कुछ टाइम ही VTS सिस्टम अगर लागू हो जाता है तो उस पर हम करा देंगे। ये आपके पीछे का AC का वेंट है, 1, 2, 3, 4 ब्लोअर, इस पर चारों वेंट है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पीछे का ड्राइवर सीट में अगर बच्चे नहीं है तो AC आगे से लॉक, यहाँ से लॉक हो सकता है। इसमें 1, 2, 3 यहाँ से लॉक ऑन और ऑफ हो जाएगा। ये है हमारी स्कूल वैन। इसका जो अपर है काफ़ी, रूफ इसका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो गाड़ी आती थी उसका रूफ जो होता था वो कपड़े का होता था। अब जो रूफ है काफ़ी, जो हमारी डिलक्स गाड़ी आती है उसका रूफ के हिसाब से दिया हुआ है। इसमें आपको कूलिंग के लिए जो प्रॉब्लम आती थी पहले गाड़ियों में, अब वो कूलिंग की प्रॉब्लम इस गाड़ी में ख़त्म हो चुकी है। पिछली 10 गाड़ियों का काफ़ी रिव्यू अच्छा है। अब हम चाहेंगे कि आप लोग इस गाड़ी को लें, और ये जो सीटिंग है इस हिसाब से दिया हुआ है, इसमें बच्चों को बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। प्लस ये जो विंडो है, अगर बच्चे गाड़ी चलने के, अगर मान लीजिए किसी बच्चों को AC से प्रॉब्लम भी होती है, अगर विंडो ओपन भी है तो भी यहाँ से एयर के लिए काफ़ी अच्छा है, और बच्चे यहाँ से फेस भी बाहर नहीं निकाल सकते। ये स्कूल वैन राजू हमरे चला। जो कस्टमर का रिव्यू आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, हम चाहेंगे कि आप इस गाड़ी को एक बार जरूर।